ये बिग बॉस में बहुत ज्यादा ये बात वो बार बार कहती थी, जब भी कभी लड़ाई होती थी या कुछ होता होता था तो अगर वो उनकी लड़ाई होती थी आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं थे तब भी वो उनको यही कहती थी, तू ना मेरा ही है और ना मेरा ही रहेगा। अगर आपने नोटिस करा हो तो दिल बना के और स्टार बनाया है कि वो मतलब अभी भी वो, अगर मुझे लगता है उनको याद आती होगी सिद्धार्थ भाई की तो शायद वो स्टार्स की तरफ देखती हूँ। बिछड़ा इस कदर कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस कदर कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हाँ जी, तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज ही शहनाज गिल ने अपने सॉन्ग का न्यू पोस्टर, मतलब अपने न्यू सॉन्ग का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया है। सॉन्ग का नाम है तू यही है। नाम से ही आप लोग गेस लगा लीजिए ये गाना किसके लिए बना गया है। ऑफ कोर्स ये बात है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही ये गाना बना गया है, उन्हीं को ये गाना डेडिकेट करके शहनाज कर रही हैं। और उसके नीचे लिखी हुई है कैप्शन लाइन जो स्पेशल उन्होंने ये तू यही है गाने के नाम के नीचे लिखा है, उसमें लिखा है इट्स माई ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ शुक्ला। ऑफ कोर्स ये बात है स्पेशली उनके लिए ही ये गाना शहनाज गिल जो कि कर रही हैं। और हम सब लोग तो जानते ही थे जैसे कितना ज़्यादा उनका लगाव सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जो कि लगाव क्या एक तरह की उनकी जैसी उनकी केमिस्ट्री थी, जैसी उनकी लव स्टोरी थी, जो भी था मतलब एक तरह से वो कमिटेड एक दूसरे के साथ नहीं भी थे बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ कमिटेड थे। खुले सोशल मीडिया पे ऑफिशियली तौर पे वो कमिटेड नहीं थे बट फिर भी यार वो कमिटेड ही थे, दे आर इन रिलेशनशिप, फिर भी बस खुले में नहीं था। और अभी अगर आप पोस्टर देखिए, पोस्टर के साइड में नीचे ना कैप्शन उन्होंने जो स्पेशल जो कैप्शन लिखा जाता है, फोटो डालते तब हम लोग जो नीचे कैप्शन लिखते हैं, कैप्शन में उन्होंने लाइन लिखी है तू मेरा है और डॉट 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 डॉट। ये जो डायलॉग था, डायलॉग क्या है, ये जो बात उन्होंने ना ये बिग बॉस में बहुत ज्यादा ये बात वो बार बार कहती थी, जब भी कभी लड़ाई होती थी या कुछ होता होता था तो अगर वो उनकी लड़ाई होती थी आपस में एक दूसरे से बोलते नहीं थे तब भी वो उनको यही कहती थी, तू ना मेरा ही है और ना मेरा ही रहेगा। अगर आपने नोटिस करा हो तो उन्होंने यही लिखा है तू ना मेरा है और डैश आगे डैश कर दिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है तू मेरा ही रहेगा। अब ये तो कल गाना, कल सुबह 12 बजे गाना रिलीज होना है, ये तो अब कल सुबह 12 बजे पता लगेगा कि ये आगे की लाइन वो कंप्लीट करेंगी कि नहीं करेंगी। बट फिर भी अगर वो नहीं है इस दुनिया में बट फिर भी वो उनके थे और उनके ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता पहले पास्ट में कभी सिद्धार्थ शुक्ला के इतना ज़्यादा क्लोज कोई होगा जितनी शहनाज गिल हो गई थी बिग बॉस के बाद। बिग बॉस से पहले तो सब लोग जानते हैं शहनाज ना सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल को जानते थे, ना शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को। शहनाज गिल तो जानती होंगी सिद्धार्थ शुक्ला को, ऑफकोर्स ही बात है, बट ऐसे कभी बात नहीं हो। और बिग बॉस के बाद तो उनकी जो केमिस्ट्री हुई है, बिग बॉस के अंदर भी हम लोग को उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिली है, साइड में क्लिप्स जो चल रही हैं अगर हम लोग वो क्लिप्स देखते हैं गाइस तो क्लिप्स देख के लग ही नहीं रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर। सीरियसली यार, सीरियसली बस भगवान से यही दुआ है वो जहां भी हो भगवान उन्हें अपने चरणों में निवास दे, और कुछ नहीं गाइस। बस कल 12 बजे का वेट है, अब कल 12 बजे देखते हैं क्या क्या हम लोग को उसमें देखने को मिलता है गाने में, क्या क्या किस टाइप का गाना उन्होंने करा है, उसके लिरिक्स कैसे होंगे। ऑफकोर्स ही बात है बहुत ही इमोशनल लिरिक्स होंगे, ऑफकोर्स ही बात है। दिवाली आ रही है, दिवाली पे मतलब दिवाली अभी तो है, टाइम एक हफ्ता है हम लोग मान लेते हैं, बट फिर भी दिवाली के पहले ये जो गाना आ रहा है, गाना पक्की बात है हर एक की आंखों में आंसू छोड़ के जाएगा ये गाना कल, पक्की बात है। आई एम डैम श्योर गाइस, पक्की बात है ये गाना इमोशनली तो होगा ही होगा, पक्का इमोशनल गाना होगा, सैड सॉन्ग ही होगा जिसमें हो सकता है गाना कल रिलीज हो तो जब शहनाज गिल सुने और बाकी सबके रिएक्शन आएंगे पक्की बात है सभी को ही ये गाना रुला के जाएगा। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे जाना माना चेहरा था जो कि बिग बॉस शो, इतना बड़ा रियलिटी शो, वो विनर थे उस शो के, ऑफ कोर्स ये बात है सबके फेवरेट थे, मेरे भी फेवरेट थे, बाकी सबके भी फेवरेट थे, बट जो भी हुआ गलत हुआ क्या कर सकते हैं, जिसकी जितनी लिखी है उसने तो उतने ही अपने सांसें उतनी ही सांसें लेनी है, ज़्यादा ना एक सांस ऊपर ना एक सांस नीचे, इसमें किसी की गलती नहीं है कुछ नहीं है। बट
वी मिस सिद्धार्थ शुक्ला। एंड इतना तो पक्का है, इतना तो मुझे पता है, आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी ये सोच रही होंगे, वी ऑल मिस सिद्धार्थ शुक्ला। अगर वो होते तो आगे शहनाज और उनका बहुत कुछ हम लोग को कोलैबोरेशन देखने को मिलता, क्या पता उनकी शादी भी देखने को मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता था यार। और जो उनका जो अभी पहले एक गाना आया था हैबिट गाने की एक दो लाइन ही, शायद एक पैराग्राफ ही शूट हुआ था कुछ ऐसा, मैंने उसका रिएक्शन किया, आप देखिएगा चैनल खोल के अगर आपका मन करे तो। उसमें भी गाइस एक दो पैराग्राफ ही पूरे हो पाए थे उस गाने के, उसके बाद फिर गाने की शूटिंग के सीन्स वगैरह जोड़ के वो गाना पूरा किया गया और शहनाज ने पहले कुछ लाइन्स बोली उन्हें डेडिकेट करके, वो वीडियो के पहले आप लोगों ने सुनी होंगी जरूर वो लाइन्स। जो भी हुआ गाइस उसको भुला नहीं सकते हम लोग। मुझे लगता है शहनाज अभी तक संभल नहीं पाई है, तभी उन्होंने फिर से ये गाना स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देते हुए करा है फिर से। ऑफ कोर्स ये बात है यार, कोई कैसे बोल सकता है, कोई आदमी किसी दिल के इतना करीब हो इतना ज्यादा, उसको आदमी नहीं भूल सकता। और शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला की तो केमिस्ट्री ऐसी थी कि यार बिग बॉस तो आधे लोग तो देखते ही थे कि यार अब क्या होगा, वो लोग कैसे कपल्स की तरह रहते थे। सीरियसली गाइस भूल नहीं सकते हम लोग सिद्धार्थ शुक्ला को, भूल नहीं सकते। और आप लोग देखिएगा नीचे कैप्शन में उन्होंने जो लिखा है उसके आगे फिर उन्होंने ना दिल बना के और स्टार बनाया है कि वो मतलब अभी भी वो, अगर मुझे लगता है उनको याद आती होगी सिद्धार्थ भाई की तो शायद वो स्टार्स की तरफ देखती होंगी, हो सकता है, मैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अब भी इसका जवाब तो सही सही शहनाज गिल ही दे सकती हैं, वो कैसा फील करती हैं जब उनको याद आती है सिद्धार्थ शुक्ला की, बट चलिए क्या कर सकते हैं। वेट है अब कल 12 बजे का, कल सुबह 12 बजे गाना रिलीज हो जाएगा जी शहनाज गिल का, गाने का नाम है तू यही है। तो गाइस अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट करके अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, आपका क्या सोचना है। और वीडियो अगर मन करे आपका आगे और लोगों तक शेयर करने का ताकि और भी लोग देखें इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो वेट है कल सुबह 12 बजे का, कल सुबह 12 बजे हम लोग सॉन्ग का रिएक्शन वीडियो जरूर करेंगे क्योंकि सॉन्ग ही ऐसा होगा कि यार उसमें रिएक्शन देना तो बनता है यार, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग होने वाला है, पक्की बात है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, ओके विदा लेते हैं आप सबसे, बाय बाय।